अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आइस एंड स्पाइस विद यूस्ट्रा में आज हम बना जा रहे हैं स्पेगेटी, जिसके लिए सबसे पहले ये मैंने बोनलेस ले ली है। थोड़ी लंबी स्ट्रिप्स में इसको कट कर लिया है, आपकी मर्जी है जैसे आप कट करना चाहें। 3 टेबलस्पून मैं इसमें तंदूरी मसाला जो होता आता है शान वालों का वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है और उसमें मैं अपनी मैरिनेट हुई हुई चिकन ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ तंदूरी मसाला ऐड किया था और 10 मिनट के लिए रख दिया था। इसके बाद मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। जब हमारी चिकन अच्छे से डन हो जाएगी, अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तो इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स मेरे पास, मैंने बंद गोभी की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा ली थी कैबेज की, ठीक है। कैरेट और कैप्सिकम जो है वो सेम क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ और ग्रीन अनियन वाइट पार्ट के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वेजिटेबल भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चिकन हमारी जब अच्छे से फ्राई हो गई, इसके बाद हम अपनी वेज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वेजीज ऐड कर रहे हैं, स्टर फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए तो आप इधर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनको नरम नहीं होने देंगे, आपने उनको एंड तक क्रिस्पी रहने देना है, कम पकाना है। अच्छा, मसालों में 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1.5 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है मेरे पास, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी मैं रिटन लिखती हूँ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। ये सारे मैंने मसाले शामिल कर दिए हैं और मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। याद रहे, हमने वेजिटेबल्स को सॉफ्ट नहीं करना है, ठीक है। अब मेरे पास ये जो सालन निकालने वाला जो चम्मच होता है आपके पास, वो वाला बड़ा चम्मच, 2 चम्मच मेरे पास सोया सॉस और 2 चम्मच मेरे पास चिली सॉस है, ठीक है। ये दोनों मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इन दोनों को डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से कर लेंगे फ्राई। आपने वेजिटेबल्स डाल के छोड़नी नहीं है, फौरन फौरन सारी चीजें डालनी ताकि वो सॉफ्ट ना हो जाए, और बहुत देर तक इसको नहीं पकाना है। तो इससे बहुत अच्छा जो है वो एक डिफरेंट बिल्कुल फ्लेवर आता है, सॉफ्ट होने के बाद वो मज़ा नहीं करती स्पेगेटी, ठीक है। यहाँ मैंने स्पेगेटी का 1/2 पैकेट लेके बॉईल कर ली थी। स्पेगेटी बॉईल किस तरीके से होगी कि आपने अच्छे से खुले बर्तन में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है ताकि वो एक दूसरे से चिपके ना, ठीक है। और जब पूरा अच्छे से बॉईल आ जाएगा पानी में, तब आपने इसमें नमक और स्पेगेटी ऐड करनी है। और इसके बाद जब आप इसको बॉयल आ जाए और इसको आप निकाल लें, तो उसको अच्छे से आप स्ट्रेन करेंगे, वरना ये एक दूसरे से चिपकने लगेगी, चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेडी होती है। अच्छे से हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, स्पेगेटी को अपनी चिकन और वेजीज में ऐड कर लिया था, अच्छे से मिक्स कर लिया था, हमारी मज़ेदार सी स्पेगेटी रेडी है। मेरी रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चिकन स्पेगेटी की रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, तो आपने ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।